हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो, तो उसमें आप एक लाइक दे दीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो। क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं पर लाइक नहीं आते, तो अगर आप लोग लाइक करोगे एक वीडियो को तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे वीडियो लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। तो जैसे भी वीडियोस लगे, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइक ही करना है, तो प्लीज़ कुछ भी आप रिस्पॉन्स दीजिए वीडियोस देख के, ताकि पता चले कि वीडियोस प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ आज की, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको अच्छे अच्छे और भी वीडियोज़ देखने को मिले। थैंक यू, आगे आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 4 o'clock इवनिंग से। आज के रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस थोड़ी उसी की तैयारी हो रही है। छोले मैंने भिगो दिए हैं और आटा मारने की तैयारी कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग भी छोले का मेज़रमेंट एक मुट्ठी से लेंगे, जितने घर में मेंबर्स है उसके हिसाब से अगर आप मुट्ठी काउंट करके डालेंगे तो परफेक्ट नाप में आपके छोले बनेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आटा कम लग रहा था, मैदा, तो मैं उसी को मिला रही थी उसमें। तो बस भटूरे के लिए जो मैं आटा लगाऊंगी उसमें मैं नमक, थोड़ा सा तेल और आटे में मैं दही डालूंगी, जिससे आटा एकदम सॉफ्ट बनेगा और भटूरे भी एकदम सॉफ्ट बन के आएंगे। जब भी आपको भटूरे का आटा मारना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दही पहले से बाहर रख देना है थोड़ी देर पहले, ताकि फ्रीज में से निकाला हुआ दही तुरंत आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप आटा मार रहे हो भटूरे का, तो ऑलरेडी आपने उसमें दही डाल दिया है, तो पानी भी आप लिमिटेड, आराम से, ध्यान से देख के डालना, वरना वो आटा एकदम ढीला हो जाएगा। तो आटा मारने के बाद भटूरे के आटे को थोड़ा जल्दी मारा जाता है और उसको एक बंद डब्बे में रख के थोड़ी देर, 2-3 घंटे के लिए बंद रखना पड़ता है फर्मेंटेशन के लिए, ताकि अच्छे से भटूरे बने। तो यहाँ पे छोले भी उबल चुके हैं, तो मैं उसको भी हॉट केस में निकाल के रख दूंगी। अगर छोले को ऐसे हॉट केस में रख दो गर्म हो तो अभी, तो वो आराम से 2-3 घंटे में भीग जाते हैं और फिर ज़्यादा सीटी नहीं लगानी पड़ती है छोलों के उबालने के लिए। तो बस उसके बाद मैंने बच्चों को उठा दिया है। अभी हम लोग, मैं उनको उनके क्लासेस में लेके जाऊंगी, तो वो लोग उठ गए हैं, रेडी हो रहे हैं। वैसे ये लोग कपड़े तो अपने आप पहन लेते हैं, रेडी भी हो जाते हैं, बस मोजे उनको पहनाने पड़ते हैं। मोजे एग्जैक्टली वो लोग नहीं पहन पाते हैं प्रॉपरली, सो मैं वही यहाँ पे कर और उसको कह रही हूँ कि भाई तू तेरा बैग भर ले फटाफट। ये सब हो जाने के बाद दोनों रेडी हो गए हैं। तो बस ये शाम का टाइम है जहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्लासेस से और वो लोग बैठे हैं, टीवी भी चालू है, टीवी देखते देखते दूध पी रहे हैं, थोड़ी देर का टाइम है उनके पास। तो उसी उतनी ही देर में मैं अपने खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वो जो छोले मैंने भिगोए थे वो भीग चुके हैं,
तो उसको मैंने कुकर में डाल दिया है। तो मैं उबालते समय इसमें नमक डाल देती हूँ साथ में। बस कुकर बंद कर दिया है और 2-3 सीटी में 3 सीटी में ये रेडी हो जाएंगे। जब तक कुकर होगा तब तक मैं अपना ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी, जिसमें मैंने टमाटर काट लिए हैं। मैंने ये यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं छोटी साइज़ के और 3 प्याज लिए हैं जो मैंने कट कर लिया है। उसमें मैं डालूँगी 3 हरी मिर्च, ये तीखी वाली है तो मैं 3 ही डालूँगी, और 3-4 लहसुन की कलियाँ डालूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने उसको मिक्सिंग जार में डाल के क्रश कर लिया है। तो यहाँ पे ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। उसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको भी इसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि साथ साथ मुझे बर्तन धुल जाए तो टेंशन नहीं होता है। मैं खाना बना रही थी, साथ साथ लड्डू बर्फी अपना होमवर्क भी कर रहे थे, तो वो लोग अपना होमवर्क कर रहे थे। मैं बीच बीच में चेक कर रही थी कि बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बारी है अब छोलों को बनाने की। तो छोले बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसको गर्म होने के बाद मैंने उसमें ऑयल डाला है। तो जैसे ही थोड़ा ऑयल गर्म होगा उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर करूँगी। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है तो मैंने उसमें 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता दोनों आधा आधा करके डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं इशारे कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बैठे हैं होमवर्क करने के लिए, तो वो वहाँ से पूछ रहे हैं। उसके बाद मैंने उसमें ग्रेवी ऐड कर दी है। ग्रेवी ऐड करने के बाद अब मैं उसमें थोड़े से मसाले करूंगी, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें मैं ऐड करूंगी साथ में छोले मसाले, जो मैं कैच का छोले मसाले यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी। इससे छोलों में अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो बस मसाले डालने के बाद उसको एक बार मिला लेना है अच्छे से। तो ग्रेवी यहाँ पे बनेगी, तब तक मैं देख लेती हूँ कि छोले बॉईल हो चुके हैं कि नहीं। तो हाँ, छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। देखिए आप सर, छोले बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करने हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने रिमूव कर लिया है। ग्रेवी यहाँ पे बन गई है। ग्रेवी बनने का यही नोटिफिकेशन होता है कि वहाँ पे ऑयल अलग हो जाता है ग्रेवी में से, तो वो ग्रेवी रेडी है। तो बस वो ग्रेवी बन चुकी थी तो मैंने उसमें छोले ऐड कर दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बटर मिल्क छाछ, तो उसी के लिए मैंने इसमें दही डाल दिया है और पानी मिला के मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये दही मैंने घर पे जमाया हुआ है, मैं हमेशा से दही घर पे ही जमाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दही बना है। तो बस छोले भी बन करके तैयार हो गए हैं, तो उसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो बस अब लास्ट जो काम बचा है वो है भटूरे बनाना। तो मैं बस यहाँ पे भटूरे बना रही हूँ। भटूरे तलने के लिए एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि तेल गर्म होना चाहिए, तो ही अच्छे से भटूरे फूलेंगे। और भटूरे को चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से तलना है।
देखिए कितने अच्छे भटूरे बन के तैयार हो रहे हैं। हो गया ना आप सबका मन भी खाने का, तो आ जाओ आप सब भी छोले भटूरे खाने के लिए। तो भटूरे भी बन के तैयार है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।